हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दर रोज नवीन पे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस करना मत भूलिए दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। और उसके बाजू नीचे जो सब्सक्राइब बटन आएगा उसे भी प्रेस करने के बाद उसके बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों। उससे क्या होगा कि हमारे नए नए वीडियो जो अपलोड होंगे उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तो मिलते रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। हाय फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके फिर से एक नई जानकारी लेके फिर से एक नई भर्ती के बारे में आपको यहाँ पे बताने फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो भर्ती निकले तो ये भर्ती बहुत ज़्यादा पदों के निकले, तो आप इसमें जल्दी जल्दी अप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे जॉब आसानी से मिल सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस भर्ती की सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स इस भर्ती का नेम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट। तो ये भर्ती निकले फ्रेंड्स कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकल चुके हैं फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी ऑनलाइन फॉर्म 2020, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके देखेंगे पोस्ट डेट, तो पोस्ट डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 दिसंबर 2019, यानी कि आज ये भर्ती रिलीज हुई है, इसलिए मैं आपके लिए सबसे फास्ट वीडियो लेके आया हूँ। उसके देखिए टोटल वैकेंसी, तो टोटल वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं 1326 पदों के लिए भर्ती निकली फ्रेंड्स, 1326 पदों के लिए भर्ती निकले, यानी कि बहुत ज़्यादा पदों के लिए भर्ती निकले, तो आप इसमें जल्दी जल्दी अप्लाई कर दीजिए। उसके देखिए ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। कोल इंडिया लिमिटेड हैज़ गिवन अ नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट ट्रेनी वैकेंसीज, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड ने नोटिफिकेशन जारी की है मैनेजमेंट ट्रेनी एंड रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी वैकेंसीज के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। उसके देखिए दूस कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन द वैकेंसी डिटेल्स एंड कंप्लीट ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन, आपको यहाँ पे कहा है, यानी कि जो उम्मीदवार इसमें इंटरेस्टेड है वो इसकी वैकेंसी डिटेल्स पढ़ लीजिए, कंप्लीट ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पढ़ लीजिए और इसके नोटिफिकेशन भी पढ़ लीजिए, और इसके साथ साथ आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई भी कर दीजिए, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। उसके देखेंगे यहाँ पे नीचे कोल इंडिया लिमिटेड, उसके देख सकते हैं यहाँ पे नीचे मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपको यहाँ पे पोस्ट बताइए फ्रेंड्स, मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी, तो एप्लीकेशन फ़ी में आपको यहाँ पे सबसे पहले बताया फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फ़ी में फॉर जनरल यू आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर जनरल यूआर या ओबीसी क्रीमिलेयर एंड नॉन क्रीमिलेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए, उनके लिए यहाँ पे फ़ी होने वाली फ्रेंड्स 1000 रुपीज़ फ़ी इनके लिए होगी। उसके देखेंगे नीचे, तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर SC ST की जो कैंडिडेट्स है, SC ST के PWD कैंडिडेट्स और एम्प्लॉइज ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, इनके लिए यहाँ पे फ़ी नहीं होने वाली फ्रेंड्स, इनके लिए यहाँ पे फ़ी माफ है। उसके देखेंगे पेमेंट मोड, तो पेमेंट मोड आप यहाँ पे कैसे कर पाएंगे, थ्रू ऑनलाइन ओनली, तो आपको सिर्फ आप यहाँ पे पेमेंट ऑनलाइन ही कर पाएंगे। उसके देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहले देखेंगे स्टार्टिंग डेट्स फ्रेंड्स, तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, तो इसकी स्टार्टिंग डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 दिसंबर 2019, यानी कि 21 दिसंबर 2019 से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे सुबह 10 बजे से। उसके देखेंगे लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन एंड फी पेमेंट, तो इसकी जो लास्ट डेट फी पेमेंट की और लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन की, तो 19 जनवरी 2020 है फ्रेंड्स, 19 जनवरी 2020 के बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे और फी पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे। उसके देखेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं 22 डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, तो उसकी डेट आपको यहाँ पे बताए फ्रेंड्स 27 एंड 28 फरवरी 2020 आपको यहाँ पे बताइए। उसके देखेंगे एज लिमिट, तो एज लिमिट में आपको यहाँ पे सबसे पहले बताया एज लिमिट एज ऑन 1/4/2020, यानी कि 1 अप्रैल 2020 आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके देखेंगे अपर एज लिमिट आपका यहाँ पे कहा है, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके देखेंगे एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर रूल्स, यानी कि एज रिलैक्सेशन रूल्स के मुताबिक होगा। उसके देखेंगे वैकेंसी डिटेल्स, तो वैकेंसी डिटेल्स में आपको यहाँ पे सबसे पहले बताया फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ डिसिप्लिन, उसके टोटल वैकेंसी बताइए सेकंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे नेम ऑफ द डिसिप्लिन, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले बताइए माइनिंग, उसके लिए आपको यहाँ पे 288 पोस्ट बताइए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल, उसके लिए भी आपको यहाँ पे 218 पोस्ट बताइए। उसके देख सकते हैं आप यहाँ पे मैकेनिकल, तो मैकेनिकल के आपको यहाँ पे 258 पोस्ट बताइए। उसके सिविल के लिए आपको यहाँ पे 68 पोस्ट बताइए। उसके देख सकते हैं आप यहाँ पे
कॉल प्रिपरेशन, उसके लिए आपको यहाँ पे 28 पोस्ट बताइए। उसके बाद सिस्टम्स, उसके लिए आपको यहाँ पे 46 पोस्ट बताइए। और इन सब के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन सब के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे कहा है, बीई होना होगा तो भी चलेगा, बीटेक होगा तो भी चलेगा, या बीसी इंजीनियरिंग होगा तो भी चलेगा रिलेवेंट डिसिप्लिन में। उसके देख सकते हैं आप यहाँ पे नीचे, तो नीचे देख सकते हैं आप यहाँ पे मटेरियल्स मैनेजमेंट, उसके लिए आपको यहाँ पे टोटल वैकेंसी बताइए 28। उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे कहा है, इंजीनियरिंग डिग्री इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके देख सकते हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए आपको टोटल वैकेंसी बताइए 250। आप यहाँ पे देख सकते हैं 254 पोस्ट आपको यहाँ पे बताइए। उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे चाहिए होगी, CA या ICWA होना चाहिए। उसके देखेंगे तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल एंड HR, तो पर्सनल एंड HR के लिए आपको पोस्ट बताइए 89। उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगी, PG डिग्री या डिप्लोमा या PGPM या MHROD और MBA और MSW, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स, तो मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए आपको 23 पोस्ट बताइए। उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे चाहिए होगी, MBA या PG डिप्लोमा मैनेजमेंट में होना चाहिए। उसके देख सकते हैं आप यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट बताइए 26। उसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, PG डिग्री या PG डिप्लोमा रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए। उसके देख नीचे आपको यहाँ पे कहा है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन, आपको यहाँ पे कहा है, यानी कि जो उम्मीदवार इसमें इंटरेस्टेड है वो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। तो फ्रेंड्स, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस भर्ती की सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता दी। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का दबाना मत भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।